गाइस अगर आप पेज़ैप एप्लीकेशंस के वॉलेट में मनी ऐड करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है कि पेज़ैप एप्लीकेशंस के वॉलेट में मनी किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसमें किस तरीके से पैसा अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके कारण YouTube के अंदर इस रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो सर्च किए हैं कि पेज़ैप एप्लीकेशंस के वॉलेट में मनी ऐड किस तरीके से किया जाता है। अगर हमारे वीडियो के थंबनेल को देख करके और टाइटल को देख करके क्लिक किए हैं तो आप 100% सही वीडियो के अंदर आए हैं, क्योंकि मैं मोबाइल के स्क्रीन में नीचे आकर के पेज़ैप एप्लीकेशंस को ओपन करके पेज़ैप में जिस भी बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है उस बैंक अकाउंट से पेज़ैप के वॉलेट में मनी ऐड करके आपको सिखाऊंगा। चाहे आप पढ़े लिखे हो या जाहिल हो या अनपढ़ हो, ऐसा शब्दों में मैं आपको समझाया हूं कि आप बड़ी आसानी के साथ ये वीडियो अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो आप पेज़ैप के वॉलेट में अपने बैंक अकाउंट से मनी ऐड करना सीख जाइएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में ले जाकर आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक रेड या ब्लैक बटन होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इस रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाए। तो गाइस मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूं। अगर आप पेज़ैप एप्लीकेशंस में अकाउंट क्रिएट किए हैं और आप चाहते हैं कि आप पेज़ैप एप्लीकेशंस में कोई ना कोई बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे और आप चाहते हैं कि बार बार बैंक अकाउंट से मैं मनी को ट्रांजैक्शंस नहीं करूंगा बल्कि बैंक अकाउंट से अपने पेज़ैप के वॉलेट में कुछ मनी को ऐड करके रखूंगा बट आपको पता नहीं कि पेज़ैप के वॉलेट में अपने बैंक अकाउंट से मनी को ऐड कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पेज़ैप एप्लीकेशंस के वॉलेट में मनी को ऐड कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो पेज़ैप एप्लीकेशंस को डाउनलोड किए हैं उसमें अकाउंट क्रिएट किए हैं तो आपको क्या करना होगा, पेज़ैप एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना होगा। जैसे पेज़ैप एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो पेज़ैप में जो भी आपके मोबाइल में फिंगर या पैटर्न होगा उसको ओपन कर लेना है। जैसे मेरा फिंगर है तो मैं दबा करके ओपन कर लेता हूं तो आपका पेज़ैप का होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं पेज़ैप एप्लीकेशंस को यूज करना बड़ी ही आसान से, जैसे कि आप देख सकते हैं फोन पे में गूगल पे में रहता है वैसे ही है, स्कैन एंड क्यूआर कोड, पे एनीवन, बैंक ट्रांसफर, चेक बैलेंस। अब आपको क्या करना है, आपको सीखना है पेज़ैप एप्लीकेशंस के वॉलेट में मनी को ऐड कैसे करें। तो यहां पे एक ऑप्शंस है बिल एंड रिचार्ज अकाउंट एंड कार्ड्स का पेज़ैप वॉलेट का जो सेकंड थर्ड नंबर पे ऑप्शन है इसी पेज़ैप वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो HDFC बैंक अकाउंट के तरफ से जो आपका कार्ड होगा डेबिट कार्ड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका नंबर शो हो जाएगा। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप इसका और डिटेल CV नंबर और एक्सपायर डेट देख सकते हैं, कॉपी करके आप इसका नंबर को कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट बैलेंस 00 रुपया है, जस्ट उसी के सामने लिखा हुआ है एडेड मनी, तो आपको क्या करना होगा एडेड मनी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे एडेड मनी के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो अमाउंट टू बी एडेड, आप कितना रुपये एड करना चाहते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो मुझे 100 रुपये ऐड करना है तो 100 रुपये के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू एडिट 100 रुपीज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा पेज़ैप एप्लीकेशंस के वॉलेट में मनी को ऐड करने के लिए। तो प्रोसीड टू एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको कहाँ से पे करना है, जो भी आपका पेज़ैप में बैंक अकाउंट ऐड होगा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं पे करूँगा तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कट करके मेरा पेज़ैप के वॉलेट में 100 रुपया चला जाएगा। जैसे पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, जो भी आपका UPI पिन होगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे UPI पिन डाल चुका हूँ, उसके बाद आपको क्या करना होगा सही के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे सही के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, प्लीज वॉइट, थोड़ी ही देर में पेमेंट सेंड सक्सेसफुली, 100 रुपये पेज़ैप वॉलेट यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है और यहाँ चंद सेकेंड आपको वाइटिंग करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड टू पेज़ैप वॉलेट 11 मई 2024 6:08 PM में मेरा स्टेट बैंक से पेज़ैप के वॉलेट में ऐड हो चुका है। अब ऐड हुआ कि नहीं हुआ मैं पेज़ैप के वॉलेट में जाकर के आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज़ैप वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और पहले यहाँ पे क्या था 00 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस 100 रुपया। तो इस तरीके से आप पेज़ैप वॉलेट के बैलेंस में आप अपने बैंक अकाउंट से मनी को ऐड कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन एसोसिएशन हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।